स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की उज्जैन में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर निकाली रैली। संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ द्वारा रविवार को पुरानी पेंशन योजना बहाली हेतु रैली निकाली गई। रैली कन्या शाला स्कूल से प्रारंभ होकर खाशरोड नगर घूमते हुए विधायक कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम में ज्ञापन विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश के समस्त विभाग के पुरानी पेंशन कर्मचारी का अधिकार है और हर हाल में सभी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। उज्जैन से शंभू राठौर की रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है। निश्चित रूप से शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं और कर्मचारी को देना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट को ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा और बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा पेंशन की आवश्यकता और रहती है। परिवार में बच्चे किस प्रकार से निकले क्या है, पर तुम पूरा उनका बुढ़ापा बुढ़ावस्था पूरी पेंशन पे ही आधारित रहती है। उनका मान सम्मान भी पेंशन के आधार पे ही निर्धारित होता है कि हमारे बाप पिताजी को इतनी पेंशन मिल रही है, कितना क्या है। तो मेरा हमने पहले भी शासन को पत्र लिखा है, पुनः कमलनाथ जी ने भी शिवराज जी को पत्र लिखा है। कांग्रेस पार्टी इनकी मांगों का समर्थन करती है और विधानसभा में इस बात को हम पूरी जोर शोर से उन्हें उठाकर शासन से मांग करेंगे कि आप लोगों की पुरानी पेंशन बहाल करें। और जहाँ तक शिवराज सरकार की बात है, निश्चित रूप से आप लोग देख रहे जितने भी आप लोगों को दबाने का प्रयास किया गया है और अभी भी से आप लोगों की शिक्षकों की ताकत और कर्मचारी की ताकत के डर पर करीब 1.5 लाख करीब इकट्ठे होते हैं, उससे डर के हमारे रैली की गई है। परंतु शिक्षक संघ उन्होंने एक नया रास्ता विधान सांसद के माध्यम पूछने निकाला था। निश्चित रूप से हम उनकी भावनाओं का आदर करते हुए पूरी ताकत के साथ विधानसभा में इस बात लोगों को माननीय विधायक और सांसदों को जो पेंशन मिल रही है, एक दिन भी अगर विधायक रह जाता है तो उनको जीवन भर पेंशन, अगर विधायक भी रह गए, सांसद भी रह गए, महापौर भी रह गए, प्रधानमंत्री भी रह गए, तो उनको 4-4, 5-5 प्रकार की पेंशन, ये कहाँ का न्याय है। शासन नई पेंशन प्रणाली के बारे में तमाम तरह के फायदे बता रही है। अगर नई पेंशन प्रणाली के इतने ही फायदे हैं तो हमारा भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से ये निवेदन है कि सांसदों, विधायकों और तमाम तरह के जनप्रतिनिधियों को भी नई पेंशन दी जाए, उनको भी पुरानी पेंशन समाप्त कर दी जाए। अच्छा, यदि आपकी मांगे नहीं मानते हैं यहाँ पर, तो आगे क्या आप किस तरह का आपका आंदोलन रहेगा? लगातार ये मांगे मानने तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आप मांग कर रहे हैं और महिलाएं इतनी धूप के अंदर आज आप भोपाल जाने वाले थे, आपका प्रोग्राम निरस्त करवा दिया गया है, किस दबाव के अंदर काम हुआ, किस तरह से आप विधायक के कार्यालय में खड़े हुए? हमारा जो भोपाल का कार्यक्रम था वो निरस्त करवा दिया गया है, उसके आक्रोश में हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए हम वाहन रैली के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं तथा विधायक जी के घर के सामने खड़े हुए हैं, उनको ज्ञापन देंगे तथा हमारी मांगे जो भी है वो हम ज्ञापन में लिखकर उनको प्रस्तुत करेंगे कि वे हमारे जो मांगे हैं वो विधानसभा में उठाएं और हमारी जो पुरानी पेंशन योजना है वो पुनः चालू करें जो उन्होंने बंद कर दी गई है। आप ये बताइए कि आप जो यहाँ पर महिलाओं के साथ में अत्याचार या महिलाओं के साथ में जो मामा जी कहते हैं कि हमारी बहन है, तो किस तरह से आप उनको लेते हैं? अब हमको भी विचार करना पड़ेगा मामा जी के लिए, जब वो अपनी बहनों का नहीं हो सकता तो किसी और का क्या होगा।